अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम ताबिश और आप देख रहे हैं मेरी ये वीडियो ताशिफा यूट्यूब चैनल डायरेक्ट फ्रॉम स्वीडन। और जो लोग मुझे नहीं जानते उनके लिए बड़ा क्विकली, मेरा नाम ताबिश है और आप मुझे बहुत सारी वीडियोस में देख चुके हैं ताशिफा यूट्यूब चैनल पर, जो मैंने बनाया है उन लोगों के लिए जो नए हैं स्वीडन में या प्लान कर रहे हैं स्वीडन आने का फॉर स्टडीज़ और फॉर सेटलमेंट। इस चैनल के ऊपर जाके आप बहुत सारी डिफरेंट वीडियोस ढूंढ सकते हैं, जैसे हाउ टू गेट अ वर्क परमिट इन स्वीडन, हाउ टू गेट टू स्वीडन फॉर स्टडीज, हाउ टू बाय अ प्रॉपर्टी, हाउ टू बाय अ बिजनेस, हाउ टू इन्वेस्ट इन स्वीडन, हाउ टू अ लॉट। सो ये मेरी प्लेलिस्ट है लाइफ इन स्वीडन, इसमें बहुत सारी की इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड वीडियोस पड़ी हुई। उसके अलावा मैं आज के लिए एक सीरीज कर रहा हूँ जिसमें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप कहीं पर भी बैठ के स्वीडन में हायर स्टडीज़ के लिए कोर्स को कैसे सर्च कर सकते हैं, उस कोर्स को जब आपने सर्च करना है उस कोर्स से रिलेटेड जो जॉब्स अवेलेबल हैं वो कैसे आपने देखनी है, कैसे आपने प्लान करनी है अपनी आगे फर्दर स्टडीज़। आप कंसल्टेंट के पास ज़रूर जाएं, मैं कंसल्टेंट के अगेंस्ट नहीं हूँ, उनकी भी रोज़ी रोटी चलनी चाहिए, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि यार आप करना क्या चाह रहे हैं आगे। तो उसके लिए जी आप चलते हैं, मैंने ये ऑलरेडी वीडियो फार्मेसी के ऊपर बनाकर पोस्ट कर दी है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और आईटी कंप्यूटर और बहुत सारी ये प्ले लिस्ट है मेरी स्टडी इन स्वीडन, और उसमें मैंने ये भी बताया कि हाउ यू कैन अप्लाई, हाउ यू शुड फाइंड द कोर्स। आज चलते हैं जी, हम जा रहे हैं, मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आई थी एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री फिशरी एनिमल्स से रिलेटेड जो स्टडीज़ हैं। तो ये जी वेबसाइट है, उससे पहले जी बड़ा क्विकली ये मेरा चैनल है, प्लीज़ जाएँ उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबा दें। और अगर आपने किसी भी टॉपिक के ऊपर वीडियो को सर्च करनी है, फॉर एग्जांपल अगर आप लिखते हैं वर्क परमिट और आगे ताशिफाई लिख दें तो आपको मेरी वो वीडियोज़ मिल जाएंगी, ठीक है जी। हर कोई भी कीवर्ड आप लिखते हैं यूट्यूब के अंदर, आगे ताशिफाई ज़रूर लिखें, आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी। अच्छा जी आगे चलते हैं जी, ये वेबसाइट है बेसिकली universityadmissions.sc। इसके ऊपर जाके आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि कैसे अप्लाई करना है। मैंने मास्क बाय द वे कोरोना की वजह से नहीं पहना हुआ, मैं पेंट कर रहा था एक रूम और उधर पहना हुआ था और मैंने उतारा नहीं है वहाँ से, बस डायरेक्टली अभी सूख रहा पेंट, तो मैंने आगे आप लोगों के लिए वीडियो रिकॉर्ड करनी शुरू कर दी, इसलिए मैं बस जस्ट गंदे बंदे कपड़ों में आगे आपके पास बैठ गया हूँ। एनीवेज जी यहाँ पर आप अप्लाई फॉर मास्टर्स, अप्लाई फॉर बैचलर्स, एंट्री रिक्वायरमेंट, एवरीथिंग यू कैन रीड हियर। आपको कंसल्टेंट की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी आपने जाना है तो जरूर जाएं भाई, लेकिन आप खुद से सारा काम कर सकते हैं। खैर जी आज हमने सर्च किया है एग्रीकल्चर को, हॉर्टिकल्चर और फॉरेस्ट्री और फिशरी को, और उससे रिलेटेड हम यहाँ पर मास्टर्स के प्रोग्राम देख रहे हैं। यहाँ पर हम मास्टर्स का फिल्टर भी लगा सकते हैं, हमने यहाँ पे प्रोग्राम सेट किया है, हम कोर्सेज भी देख सकते हैं, खाली प्रोग्राम भी देख सकते हैं, लेकिन प्रोग्राम आपने देखना है। हम बैचलर्स के भी देख सकते हैं, हम कहते हैं जी मास्टर्स ने मुझे से बैचलर्स का दिखाए, और उसके बाद ये जो रिसेंट इनटेक के अंदर आ रहे हैं कोर्सेज वो यहाँ पर आपको शो करेगा। हम देखते हैं जी, सबसे पहला कोर्स दिखा रहा है जी एग्रीकल्चर फूड एंड एनवायरमेंटल पॉलिसी एनालिसिस AFEAPA मास्टर्स प्रोग्राम, 2 साल का है जी ये, और ये यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेस में हो रहा है उपसाला के अंदर। मैं हमेशा बताता हूँ स्टॉकहोम, अगर आपने प्रायोरिटाइज करना है कौन सी सिटी को, स्टॉकहोम, गोथेनबर्ग, मालमो, उपसाला। उपसाला क्यों, क्यों जाके मेरी उपसाला वाली वीडियो देखें, वैसे मैं आपको यहाँ पे क्विकली बता देता हूँ क्योंकि उपसाला स्टॉकहोम के बहुत करीब है। तो अगर आपने कोई और जॉब वगैरह करनी होगी या आपने कोई स्टूडेंट जॉब करनी होगी तो स्टॉकहोम में जॉब्स की अवेलेबिलिटी ज़्यादा है बनस्बत किसी छोटी सिटी की। एनीवेज जी यहाँ पर हम चलते हैं, यहाँ पर हमने इस कोर्स के शो मोर के ऊपर क्लिक करना है और जाकर देखना है, अच्छा जी इसकी सेमेस्टर की फ़ीस इतनी है, इसकी टोटल कोर्स की फ़ीस इतनी है। और मैं हमेशा मोटिवेट करता हूँ आप लोगों का कि 2 साल के मास्टर्स के लिए आए, 1 साल के मास्टर्स के लिए ना आए। उसका फ़ायदा ये होता है कि 2 साल में फिर आपके पास अच्छा खासा टाइम होता है टू थिंक अबाउट कि मैंने क्या करना आगे, कैसे सेटल होना है। अच्छा जी, और आपने जब भी आना है प्लीज़ अपनी स्टडीज़ कम्प्लीट करनी है, प्लीज़ अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करनी है, स्किप आउट नहीं होना आपने बिल्कुल भी। अच्छा जी उसके बाद, और आपने अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करके अपनी फील्ड में जॉब करनी है, यहाँ पर आप और जॉबें नहीं करने आ रहे, आप यहाँ पर और जॉब करें, फूडूरा करें, क्लीनिंग करें, जो भी करना करें अपने आप को सेटल करने के लिए, अपनी फीसें पे करने के लिए, लेकिन ये आपका फ्यूचर नहीं होना चाहिए। वो जरूर मैं और जॉब के खिलाफ, मैंने खुद अखबारें डाली यार, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपने और जॉब, और मैं मोटिवेट आपको कर रहा हूँ, जो लोग कर रहे हैं उनसे उनको भी कह रहा हूँ भाई अपनी फील्ड में जॉब ढूंढें। आपके पेरेंट्स ने बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करके आपको बैचलर्स करवाया पाकिस्तान में, आप यहाँ पर आए हैं, 200-300 मिलियन की पॉपुलेशन, 1.2 बिलियन की पॉपुलेशन है इंडिया से अगर आप उठ के आए हैं या पाकिस्तान से आए हैं, तो आप लकी पर्सन हैं भाई, आप स्वीडिश यूनिवर्सिटी में आपका दाखिला हुआ है, उसको अंडर एस्टिमेट ना करें उस चीज़ को। एनीवेज जी भाषण हो गया बहुत लंबा, और इधर एक मास्टर्स हो रहा है जी एनिमल साइंसेस में हो रहा है, ये भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी उपसाला में हो रहा है। 72,000 इसकी फ़ीस है जी, और 2,90,000 इस टोटल प्रोग्राम की फ़ीस है। फिर ये जी एग्रीकोलॉजी, आई डोंट नो व्हाट इज दैट फील्ड, एग्रीकोलॉजी यार क्या होता है, एप्लीकेशन ऑफ इकोलॉजिकल प्रिंसिपल टू
एग्रीकल्चर सिस्टम एंड प्रैक्टिसेस एंड द ब्रांच ऑफ अ साइंस कंसर्न विद दिस। ओके जी, वेरी गुड। और यहाँ पर 60,000 इसकी फीस है एक सेमेस्टर की, 2,43,000 इसकी सेमेस्टर पूरे कोर्स की फीस है। ये जी एग्रीकल्चर से रिलेटेड सारे की सारी जॉब्स अवेलेबल हैं। अब आप कहते हैं कि जी अच्छा मैंने ये वाला कोर्स देखा है, मेरे में कोई भी, मैंने आपको बताया स्टूडेंट में आपको कोई स्टडी ऐसे नहीं आपको ऑफर कर देते, उसका कोई ना कोई आगे पाथ भी होता है कैरियर के अंदर आपका। लेट से आप यही हम उठा लेते हैं एग्रीकोलॉजी, और स्वीडन कोई एग्रीकल्चर बहुत बड़ी एग्रीकल्चर कंट्री नहीं है। आपने ये जो क्लिक, ये जो लिंक दिया हुआ है उसके शो मोर के अंदर, जब आप उसको क्लिक करेंगे तो उस कोर्स और उस प्रोग्राम का डिटेल पेज खोल के आपको दिखा देगा। इसमें आपने क्या क्या देखना है, इसमें आपने सबसे पहले देखना है कि प्रोग्राम की इन्फॉर्मेशन क्या है, फैक्ट एंड रिक्वायरमेंट्स क्या है, यहाँ पर सारे का सारा आपको बताएगा, यहाँ पे इसके कंटेंट्स क्या हैं, और उसके बाद करियर। कोई, मैंने आपको बताया कोई कोर्स खोलना उसके अंदर करियर का टैब आपको जरूर मिलेगा कि आप ये कोर्स करने के बाद आगे कर क्या सकते हैं, आप किधर डेवलप हो सकते हैं। ये कह रहा है मास्टर डिग्री मेजर एग्रीकल्चर साइंसेज प्रोवाइड, यार ये आप खुद पढ़ सकते हैं सारा का सारा, मैं सिर्फ ये देना है नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल अदर पॉसिबल जॉब्स टू एक्सरसाइज अथॉरिटी काउंसलिंग टीचिंग एंड कंसल्टिंग असाइनमेंट्स एम्प्लॉयज मे बी अथॉरिटीज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये बेसिकली ये काम आप कर सकते हैं ये वाला कोर्स करने के बाद। हम बड़ा क्विकली चलते हैं जी, कोई और कोर्स खोल के देखते हैं हम एनिमल से रिलेटेड, एनिमल साइंसेज से रिलेटेड कुछ खोल के देखते हैं, और इसमें कहते हैं कि जी दिखाई हमें यहाँ पर करियर की क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। मास्टर्स प्रोग्राम में जैसे मैं एनिमल साइंसेज एज एनिमल साइंस एज एन एनिमल साइंटिस्ट यू कैन वर्क इन नेशनली वर्क नेशनली एंड इंटरनेशनली विद रिसर्च ऑफ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट डेवलपमेंट, यू कैन इवन गो इन अ प्रोडक्ट डेवलपमेंट ऑल्सो। ठीक है जी, एग्रीकल्चर एनिमल एडवाइजरी सर्विसेज एंड इवेल्यूएशन, बट देर इज ऑल्सो एक्साइटिंग करियर अपॉर्चुनिटीज इन टीचिंग ऑफ इंफॉर्मेशन एंड जर्नलिज्म ऑफ दिस एनिमल साइंसेज। तो कहने की अच्छा ये आगे एक फॉरेस्ट एंड लैंडस्केप से रिलेटेड अच्छा हो रहा है जी, बैचलर्स हो रहा है। अच्छा यार ये रिलेटेड टू द आर्ट और प्रैक्टिस ऑफ गार्डन कल्टिवेशन एंड मैनेजमेंट। ओके, हॉर्टिकल्चर कल्चरल कहते हैं जी, आपने गार्डन्स वगैरह के साथ जब काम करना होता है। अच्छा इसमें चले जाते हैं जी, इसमें जाके देखते हैं कि ये कोर्स जो सा है क्या, ये सारे के सारे उधर होने हैं उपसाला के अंदर। इधर भाई आपके पास काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज है। अच्छा अब आपने कहा कि अच्छा यार मैंने ये कोर्स कर लिया है, मैं मुझे बताओ कि मैं इससे रिलेटेड जो सी जॉब्स कैसे ढूंढूँ स्टूडेंट में। तो आपने अपना कीवर्ड जो भी है उसका वो सर्च करना है, कंट्रोल वी करना है, जॉब लिखना है जॉब। ठीक है जी, और यहाँ पर गार्डनिंग जॉब्स इन यूके, यूके के अंदर दिखा रहा है और स्वीडन के अंदर भी दिखा दे भाई, कोई नहीं यहाँ पर स्वीडन में कोई नहीं दिखा रहा है। इंडीड ये दिखा रहा है, इंडीड के ऊपर ये कोई जॉब अवेलेबल है HTA। एनीवेज यार ये बड़ी नीश सी फील्ड है, अगर कोई आईटी की फील्ड होती तो मैं आपको दिखाता, बहुत ज़्यादा जॉब्स होनी थी। ये बड़ी नीश फील्ड है, और ये जो स्वीडन है वो एक बहुत बड़ा एग्रीकल्चर कंट्री नहीं है, लेकिन ऑफ कोर्स यहाँ पर ऐसी बात नहीं है कि यहाँ पर एग्रीकल्चर से रिलेटेड स्टडीज नहीं हो रही, या यहाँ पर आपका एनिमल से रिलेटेड स्टडी नहीं हो रही है। देखें वुड टेक्नोलॉजी, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि वुड टेक्नोलॉजी की क्या मास्टर्स करवा रहे हैं, पूरे लुलियो यूनिवर्सिटी के अंदर ये मास्टर्स हो रहा है अप इन द नॉर्थ, वहाँ पे ठंडी बहुत है, बहुत ज़्यादा ठंड है भाई वहाँ पे। लेकिन यहाँ पर आपको दिखाते हैं जी इसमें आपको करियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या दिखाएगा। लेट्स मी सी, दिस इज़ नॉट माई फील्ड, लेकिन लेट मी आई एम वेरी वेरी इंटरेस्टिंग इसके अंदर क्या करियर अपॉर्चुनिटी। एंट्री रिक्वायरमेंट ये है, डू यू वॉन्ट मोर प्रोग्राम फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन टाटा। वेर इज़ अ करियर, ये करियर। ठीक है जी, इसमें करियर क्या आपका आगे, पोस्ट ग्रेजुएशन आई एक्सेप्ट भाई, ठीक हो गया भाई। शिल्पी शिना ने कुछ किया हुआ है, बम ओके, आई थिंक आई एम नॉट इन दैट प्रोग्राम, आई नीड टू गो इन टू द प्रोग्राम करियर टैब। ओके, द इंजीनियरिंग ऑफ मटीरियल वुड एंड रिन्यूएबल एनवायरमेंट फ्रेंडली लाइट वेट एंड ड्यूरेबल एडवांस फाइबर कॉम्पोजिट्स द टेक्निक। आई थिंक लेबर मार्केट, मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स लीव प्रोग्राम विद वन और मोर पब्लिश पीयर रिव्यू रिसर्च वाओ पेपर रेडी टू एनरोल इन PhD। तो आप इसके लिए इसके बाद PhD में जा सकते हैं विद इन द वुड टिम्बर इंजीनियरिंग एंड फर्नीचर इंडस्ट्री, फर्नीचर इंडस्ट्री में आप जा सकते हैं, ऑफन इन R&D पोजिशन। ओके, तो आप जिस कंपनी में भी जाएंगे तो रिसर्च एंड डिवेलपमेंट के अंदर जाएंगे ये वाली इंजीनियरिंग करने के बाद। तो जैसे IKEA, आई मीन IKEA माइट बी ए लुक, ऑल द बिग फर्नीचर मैन्युफैक्चरर इन द वर्ल्ड कुड बी योर एम्प्लॉयर फॉर आफ्टर दिस स्टडीज।
ले यार, ये एक बड़ी क्विक सी वीडियो मैंने बनानी थी, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, एनिमल से रिलेटेड, फॉरेस्ट्री से रिलेटेड, और ये क्या था जी, एक वर्ड हमने आज सीखा है, हॉर्टिकल्चरर, यानी कि गार्डनिंग से रिलेटेड। आपकी ये जो यहाँ पर ये सारी की सारी ये जो मास्टर्स की स्टडीज हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रोग्राम ऑफर हो रहे हैं और उनके आगे करियर ट्रैक्स भी काफ़ी अच्छे हैं। एनीवेज जी, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, खुश रहें, होप ये वीडियो ने आपको हेल्प की है। अगर आपको क्वेश्चंस हैं तो इसकी वीडियो के कमेंट्स में लिखें, मैं जाके कमेंट्स पढ़ रहा हूँ आजकल आप लोगों के, और उसको मैं रिकॉर्ड भी करता हूँ, तो आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर मिल सकते हैं। उसके अलावा मैं 1-to-1 सेशन करता हूँ, वो पेड है मेरा, मेरी हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो लिखा है, इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है। मेरा सिर्फ पॉइंट ये है कि आपने अगर मूव होना है और आपको अगर समझ नहीं आ रही और आपको बेसिक, आपको जो आपके स्पेसिफिक कोई क्वेश्चन है आपसे रिलेटेड, आपके केस, आपकी आपकी सिचुएशन से रिलेटेड, तो उसमें आप मेरे साथ टाइम बुक कर सकते हैं। फेसबुक में मेरे पेज पर जाकर रिव्यूज़ पढ़ें जो जो मेरे क्लाइंट्स ने मेरे उस टाइम बुक करने के बाद छोड़े। आई थिंक मैनी पीपल आर हैप्पी विद मी। बड़ी बहुत कोई बड़ी फीस नहीं है, 250 ग्राउंड में चार्ज करता हूँ अपने एक सेशन का। और अगर आपको कोई गाइडेंस चाहिए और आपको 1-to-1 मीटिंग करनी है, तो यू हैव टू बुक अ टाइम, अदरवाइज मैं आपको पुश नहीं, लाइक आई एम नॉट सेइंग दैट यू शुड बुक अ टाइम। आप अपने क्वेश्चंस मेरी वीडियोस के कमेंट्स में भी लिख सकते हैं, उनको भी मैं आंसर करता हूँ। तो ले यार, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, खुश रहें, मेरे लिए दुआ कर दें और आगे बढ़ते रहें और मोटिवेट रहें। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको कामयाब करेगा, अल्लाह ताला मुझे भी कामयाब करेगा। अल्लाह हाफिज़।